written there that where there is oxidation, where there is oxidation, okay, there is always reduction. There is always reduction. मतलब बिना reduction के oxidation नहीं हो सकता, बिना oxidation के reduction नहीं हो सकता. एक दूसरे के क्या है? Complementary है. Okay? Are you getting my point? Yes, sir. So, chemistry is basically chemistry. Is essentially a study of redox reaction. Chemistry is essentially a study of redox reaction. Means, मतलब कोई ऐसा reaction ही नहीं हो सकता oxidation का कि जो बिना reduction के हो. मतलब अगर gain हो रहा है, अगर lose हो रहा है electron, definitely अगर कोई atom या element इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसको कोई ना कोई तो गेन करेगा. अब जो कोई गेन करेगा तो उसका रिडक्शन होगा, और जिसने लूज किया है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है. डेफिनेटली यस और नो? तो ये एक पूरा ही नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा अगर एक ही की बात की जाती है. दोनों होते ही होते हैं. ओके, इज इट ओके? एनी डाउट इन दिस? नो सर. वेरी गुड. So, सिंपल सी बातें हमको समझ में आ गई, क्या है ऑक्सीडेशन और क्या है रिडक्शन. अगर किसी को लगता है कि हाँ अभी भी हमें दिक्कत है तो हमसे बता दे. इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में कर लोगे रिडॉक्स रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन द टर्म्स ऑफ द हाइड्रोजन वी हैव सीन, इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वी हैव सीन, इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट इज रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन, इन द टर्म्स ऑफ, लेट अस सी, इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव ऑलरेडी सीन कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ terms of electrons, in the terms of electrons transfer, in the terms of electron transfer, in the terms of electron transfer. In terms of electron transfer, the gaining of electron is known as reduction and losing of electron is known as oxidation. Okay. Bolo. Batao bhai, jaise Na plus Cl2. Agar aapke samne ek reaction likha hai Na plus Cl2. It gives NaCl. Na plus Cl2 gives NaCl. इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है देखिए जरा. यहाँ पे Na का स्टेट क्या है भाई? +1. Na का स्टेट देखें तो +1 है. यहाँ पे Na का 0 है तो ये 0 से +1 पे जा रहा है, लूज कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन. यस और नो? यस सर. ठीक. और ये क्लोरीन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है तो ये जीरो से -1 पे जा रहा है. मतलब ये गेन कर रहा होगा यार इलेक्ट्रॉन कितना? 1. अब 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे आगे सामने भी 2 लगा है, वो बात अलग है. ठीक है, ये सामने 2 लगा, ये 2 क्लोरीन है. तो 1 क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे Na 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. इजिली दैट कैन बी सीन, इट कैन बी इजिली अंडरस्टूड. एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो सर. अगर ऐसे ही रिएक्शन लिखा है Na plus O2, it gives Na2O. देख लीजिए आप, इजिली ऑक्सीडेशन नंबर लिख के आप समझ सकते हैं. इस Na का 0, इस O2 का 0, इसके अंदर Na और O2 का क्या है? अब आपको पता है O का क्या होता है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और Na 2 है तो इसके यहाँ पे 1 Na का +1 होगा, 2 Na का +2 होगा. यस और नो?
यस इसके ऊपर पूरे के ऊपर प्लस टू है, लेकिन अगर केवल एन ए की बात करें बेटा तो प्लस वन है। तो देखो जरा आप, एन ए जीरो से प्लस वन पे आ रहा है, एन ए जीरो से केवल एक ही एन ए को देख रहे हैं, प्लस वन में आ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये लूज कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। ओ टू है, दो ओ है, एक ओ का जीरो, मतलब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे माइनस टू है, तो ये जीरो से माइनस टू पे आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। कितने? तो यस और नो? बोलो भाई प्रियंका, इज इट ओके? इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल, आप इजीली इसको बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट पता है? यस सर। एनी डाउट रिगार्डिंग द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एनी वन ऑफ यू? विवेक लगता है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बताना चाहिए, जस्ट टेल मी, बताइए भाई ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, एवरीवन क्लियर कि बताना है? यस सर आता है, सबको आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा, खुद का रिडक्शन करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, मतलब खुद क्या करेगा, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? यस और नो? यस सर। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो ये लूज करेगा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कराएगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब खुद का गेनिंग लूजिंग करेगा, तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर कोई लूज करता है, कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक, ओके, यस सर। अब आपने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी है टेंथ में, टेंथ लेवल पे, जिंक की कॉपर के साथ के रिस्पेक्ट में कौन ज्यादा एक्टिव होता है, कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, ये आपको पता है। अच्छा मेटल जो होगा वही रिड्यूस होगा, वही ऑक्सीडाइज होगा, जो बुरा मेटल है एक्टिव, जिसकी मेटेलिक कैरेक्टर या एक्टिविटी कम है, वो नहीं करेगा। तो अगर हम सीरीज को अगर याद करें तो जिंक ऊपर आता था कॉपर से कि कॉपर ऊपर आता था जिंक से? याद है किसी को, जिंक और कॉपर में अगर कंपेयर करें बेटा हम पोजीशन में, एक्टिविटी में, तो कौन ज्यादा एक्टिव मेटल है या कौन लेस एक्टिव मेटल है? जिंक और कॉपर, जिंक ज्यादा एक्टिव, जिंक ज्यादा एक्टिव। ये सबको पता होना चाहिए, जिंक इज मोर एक्टिव, यस और नो? यस सर। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, फिर जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम, प्लेटिनम है। ये सीरीज होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर है एक्टिविटी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। तो ऊपर वाले को, ऊपर वाला जो है वो ज्यादा एक्टिव है नीचे वाले से, ऊपर वाला जो है वो ज्यादा एक्टिव है, पोटेशियम ज्यादा एक्टिव, सोडियम पोटेशियम, सोडियम ज्यादा एक्टिव, कैल्शियम, कैल्शियम ज्यादा एक्टिव, मैग्नीशियम, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। अच्छा एक्टिव, अच्छा मेटल है, तो मेटल का कैरेक्टर क्या होता है, लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, ऊपर वाला। तो अगर मैं ये कहूँ कि जिंक का एक स्ट्रिप, हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट में डाल दिया, मेरे पास कॉपर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन है, मेरे पास कॉपर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन है, समझना जरा, मेरे पास कॉपर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन है, कॉपर नाइट्रेट है मेरे पास,
क्या है? कॉपर नाइट्रेट। इसमें मैंने एक जिंक का स्ट्रिप डाल दिया, जिंक मेटल का स्ट्रिप डाल दिया, दिस इज जिंक का स्ट्रिप है। क्या होगा? रिएक्शन लिख सकते हो आप लोग, क्या होगा? यस सर, लिखिए जरा रिएक्शन क्या होगा। जिंक का रिएक्शन होगा कॉपर नाइट्रेट में, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, क्या होगा? सर चैट में लिख के भेजना क्या? नहीं, लिख लो, मैं बता देता हूँ, अपने आप में वो कर लो कि क्या बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। This is known as competitive electron transfer reaction. ये है हमारा under heading क्या है इसका? Competitive. इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके इसको समझा देता हूँ concept को। इसको हम लोग कहते हैं competitive competitive इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। कंपटीशन हो रहा है, कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो हुआ क्या कि इसमें एक जिंक का स्ट्रिप लेके हमने कॉपर नाइट्रेट में डाल के रख दिया, एक घंटे डेढ़ घंटे तक, दो घंटे तक रख के छोड़ दिया। ऑब्जर्व क्या करेंगे इसमें, क्या हो रहा है ये तो हमने दिखा दिया आपको, इधर पे लिख भी देते हैं, इधर पे लिख देते हैं कि जिंक स्ट्रिप, जिंक जिंक स्ट्रिप इज added is dipped in aqueous copper nitrate solution। सबने समझ लिया क्या हो रहा है? सबने जिसको समझना था वो कर लिया होगा। Is it okay? नेहा, प्रदीप, संस्कार, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मेरे को समझा दे रहे हैं और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको फोकस करना है। That can be more important for us. कलर भी चेंजेस कुछ देखेंगे हमको, वो हमको देखना है। देखिए, जिंक का एक स्ट्रिप आता है, मेटल का स्ट्रिप आता है, उसको हम लेके कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है हमारा, उसके अंदर डिप कर दिया, एक दो घंटे के लिए छोड़ दिया। होगा क्या कि जो स्ट्रिप है उसके ऊपर रेडिश मेटेलिक कोटिंग हो जाएगी कॉपर की, और जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर था, जो सॉल्यूशन था वो पहले से ब्लू कलर का था। ये सॉल्यूशन का कलर क्या होगा बेटा? पहले से ब्लू था, ये ब्लू था, रेड से मैं लिख रहा हूं लेकिन था ये ब्लू, ठीक है, ये ब्लू कलर का था। इसका जो ब्लू कलर है वो डिसअपीयर होगा, ब्लू कलर जो है वो डिसअपीयर होगा एक घंटे के बाद। देखोगे वो ब्लू कलर उसका चला गया, और जो स्ट्रिप था, ठीक है, उसके ऊपर मेटेलिक कोटिंग हो गई रेडिश कलर की, कॉपर की। समझ में आ रही है बात? और सॉल्यूशन का ब्लू कलर चला गया। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉपर नाइट्रेट बेटा, कॉपर नाइट्रेट जो है, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट जो है CuNO3 का होल ट्वाइस, इसमें कॉपर का स्टेट क्या है? +2। इसमें कॉपर का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +2। यस और नो? क्योंकि Na3 के ऊपर -1 होता है, दो Na3 है तो -2 होगा, तो ये +2 होगा। और कॉपर +2 आयन का कलर ब्लू होता है, कॉपर +2 आयन का कलर ब्लू होता है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का था। इज इट ओके? यस सर। बाकी लोग बताइए भाई। यस सर। विवेक, समझ में आ रहा है? दिक्कत होगी बताना तुरंत हाल, ठीक, कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है, या प्रियंका? तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जिंक जो है, जो मेटेलिक स्ट्रिप था इसमें जिंक है,
इसमें जिंक है, तो जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए यहीं पे, एक जिंक दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, लूज कर देगा और इसमें कूद के चला जाएगा सॉल्यूशन के अंदर जिंक प्लस टू के फॉर्म में। और यहाँ सॉल्यूशन से क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में कॉपर प्लस टू था, ये कूद के जाएगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसके ऊपर चिपक जाएगा, बात समझ में आ रही है, रिड्यूस हो जाएगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिंक ने ऑक्सीडाइजेशन होगा क्योंकि उसका एक्टिव ज्यादा है, वो अच्छा मेटेलिक है करेक्टर इसमें, देखो आप यहाँ पे जिंक देखो कहाँ पे है, जिंक यहाँ पे है और कॉपर देखो नीचे है, कॉपर, तो जिंक इज मोर मेटेलिक एज कम्पेयर टू कॉपर, दैट्स वाई द जिंक विल ऑक्सीडाइज एंड कॉपर विल रिड्यूस, कॉपर विल गेन एज कम्पेयर टू जिंक। तो अब दो ही कहानी है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा मतलब जो मेटेलिक स्ट्रिप है, जो जिंक है, वो जिंक वहां से निकलेगा सॉल्यूशन में, एक्वस में जाएगा, ऑक्सीडाइज हो के जाएगा, मतलब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो छोड़ेगा कहाँ, यही स्ट्रिप के ऊपर, ये निगेटिव दो दिख रहे हैं, एक जिंक से दो निगेटिव, तो ये जिंक पहुंच गया। अब इसके सॉल्यूशन में जो कॉपर है, ये कॉपर नाइट्रेट में जो कॉपर है, इस कॉपर नाइट्रेट में जो कॉपर है वो कॉपर प्लस टू में था, उसके आयंस जो हैं प्लस टू में होके ये पहुंचेंगे इस स्ट्रिप पे, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दिखे इन प्लस टू को, अब प्लस को क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन उसको तो दुनिया मिल गई, प्लस टू प्लस के लिए निगेटिव ही तो सब कुछ है, उसको निगेटिव मिल गया मतलब उसको खुशी मिल गई पूरी दुनिया की, अब वो पहुंच गया भाई, अब वो पहुंच गया, दो इलेक्ट्रॉन लेके आराम से बैठ गया स्ट्रिप के ऊपर, उस स्ट्रिप को रेडिस करने लगा वो, और ये इधर से जा रहा है तो इसका कलर खो रहा है, इसका कलर निकल रहा है, जो ऑरेंज का जो इसका वो कलर था आपका ब्लू कलर था, वो डिसअपीयर हो रहा है क्योंकि कॉपर निकल के जा रहा है उसमें से। इज इट ओके? कैन वी सो दिस इन द रिएक्शन? यस सर। जिंक loses two इलेक्ट्रॉन, प्लस टू बनाता है और दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, कॉपर प्लस टू इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को जाता है उसके ऊपर, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कॉपर डिपोजिट हो जाता है, दिस इज व्हाट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन। ओके, इसको जोड़ दो, एड कर दो, एड में कुछ नहीं होता है बेटा, लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड कर देते हैं, राइट का राइट में, मतलब एरो के जो लेफ्ट में दिख रहा है आपको उसको पूरा जोड़ दो, एकदम जैसे ही जैसे जोड़ते हो वैसे ही जोड़ दो, और जैसे कैंसिल आउट करते हो इक्वल चीजें एरो के इधर उधर जो है इक्वल, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों में दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे जैसे ही ऐड करोगे, ठीक, बच क्या जाएगा, जिंक प्लस कॉपर प्लस टू गिव्स, ऊपर इधर क्या हो गया, जिंक प्लस टू प्लस कॉपर, सो दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन, ये जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस, इज इट ओके? विवेक, इज इट ओके? प्रदीप, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बस आपको फोकस रखना है कि हो क्या रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन बनाएंगे अलग, ऑक्सीडेशन बनाएंगे और उसके बाद जोड़ देंगे, तो ध्यान ये रखेंगे जो सेम चीज है इक्वल्स टू के साइन के, अगर आपको मैथमेटिक्स सिंपल सबको पता है, अगर ऐसा लिखा है कि x प्लस टू इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू, तो ये तो थोड़ा सा अलग हो गया, मतलब आपको पता है कि सिंपल चीजें हैं दोनों साइड में, अगर सेम चीजें इक्वल्स टू के अगर अगल बगल दोनों, इधर भी फोर आता है इधर भी फोर आता है, फोर फोर को कैंसिल कर लेते हैं, वैसे ही दो इलेक्ट्रॉन इधर दो इलेक्ट्रॉन उधर तो कैंसिल कर दे, इक्वल था इक्वल टू के साइन के अपोजिट हैं, तो वो जब आएगा एक साइड पे तो वो निगेटिव के साइन के साथ आएगा, तो इसलिए वो कैंसिल आउट कर देता है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। इफेक्ट हम देख लेते हैं हो क्या रहा है, चेंजेस, दिस चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे चेंजेस आप लोगों ने टेंथ में भी पढ़े थे रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा बहुत, तो उसमें हम लोगों ने देखा था हो क्या रहा है। यहाँ बेटा यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि द स्ट्रिप बिकम्स कोटेड, द स्ट्रिप ऑफ जिंक क्या होता है, द स्ट्रिप ऑफ जिंक
the strip of zinc becomes coated with reddish metallic copper. कॉपर आयन के फॉर्म में ब्लू होता है, लेकिन कॉपर मेटल के फॉर्म में तो देखा ही है ना आपने, कॉपर के वायर देखे हैं कि नहीं देखे? यस सर। वो रेडिश टाइप का होता है थोड़ा। हाँ सर। तो कॉपर मेटेलिक फॉर्म में तो रेडिश होता है, लेकिन नॉन आयन के फॉर्म में ब्लू कलर का होता है, वो भी प्लस टू के, वो भी प्लस टू में। ठीक है, तो वो कॉपर गेन कर रहा है जब इलेक्ट्रॉन, तो वो मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट होगा, इसलिए ये हमारा जो स्ट्रिप है ये ब्लू होते है, रेड होता जाएगा, रेडिश होता जाएगा। ठीक है, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या देख रहे हैं कि जो मेटेलिक जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर था, ठीक है, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपीयर्स, द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपीयर, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपीयर, ये किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से? रीजन क्या है इसका? रिडक्शन ऑफ, यहाँ पे कॉपर निकल के जा रहे हैं, हमने बता दिया, समझा दिया कई बार, अभी ये लिखने की जरूरत है नहीं। कॉपर निकल निकल के जा रहा है, तो कॉपर का ही कलर ब्लू है, प्लस आए प्लस टू का, इसकी वजह से हो रहा है। ठीक, इज इट ओके? यस सर। तो यहाँ पे जो बेटा आयनिक फॉर्म में, उसको एक्वस लिख देते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना आप लोग, जो आयनिक में उसको एक्वस लिख देते हैं, कंसंट्रेशन दिया होता है इसका एक्वस, ये सॉलिड है, ये अगेन सॉलिड है, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी को कोई दिक्कत अगर है तो यू कैन इजीली आस्क, हम लोग उसकी बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करें? अगर हम कॉपर को जिंक सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा बेटा? अगर मैं कॉपर को, कॉपर के स्ट्रिप को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, डिप करेंगे, तो क्या होगा सर? तब कुछ नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि कॉपर वाला लेस एक्टिव है, ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। यस और नो? नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, बिकॉज बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो उसको कुछ नहीं होगा, कोई विजुअल रिएक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके? यस सर। तो ये सारी चीजें तो आप लोग पढ़े ही हैं, हमें नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत इसमें होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग को पता है, आप लोग के बुक में एक कुछ रूल दिए होंगे बेटा, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रूल दिए होंगे, उनको देख लेना, वैसे मैंने बता दिया है आप लोगों को, फिर से अगर देखना है तो यू कैन जस्ट सी कि मेटेलिक स्टेट में, ये बात बताई थी ना मैंने, मेटेलिक स्टेट में, एलिमेंट्री स्टेट में सभी के
ऑक्सीडेशन नंबर जीरो जैसे एच टू का, ओ टू का, सी एल टू का, ओ थ्री का, मैग्नीशियम का, सोडियम का, एल्यूमिनियम का, इनके मेटेलिक एलिमेंट्री स्टेट में जीरो होता है, ये बताया क्या मैंने? नहीं बताया है? चलो नहीं बताया ना? नहीं सर। चलो ठीक है, बताया वही मैं जानना चाहता कि बताया कि द रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन, सिंपल रूल्स हैं, बस देख लेते हैं हम लोग एक बार। रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रूल ये कहता है बेटा, फर्स्ट रूल ये कहता है कि एलिमेंट्री स्टेट अगर है, जो भी वो फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट नहीं होनी चाहिए, एलिमेंट्री मतलब बॉन्ड नहीं बनाया होना चाहिए वो किसी के साथ, किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना चाहिए, एलिमेंट्री स्टेट में कोई भी हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। ओके, इन एलिमेंट्स इन द फ्री और ऑन द अनकंबाइंड स्टेट, इन फ्री और अनकंबाइंड स्टेट ईच एटम बियर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जीरो, ईच एटम बियर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जीरो, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जीरो मेन इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से, ठीक है। जैसे ईच एटम इन एच टू, एलिमेंट्री स्टेट है एच टू, फ्री स्टेट में इसी में मिलता है, ये अनकंबाइंड स्टेट है, तो इसी स्टेट में हर एक हाइड्रोजन जो एटम है इसके एच टू के अंदर, वो ऑक्सीडेशन नंबर उनका जीरो है, एच टू है, ओ टू है, एन टू है, ठीक है, सी एल टू है, ओजोन है, ओ थ्री फॉर्म में भी है, ठीक है, फॉस्फोरस का पी फोर होता है, सल्फर का एस एट होता है, ठीक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, सोडियम तो ऐसे ही एन ए होता है, मैग्नीशियम है, एसेट्रा, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट इनके हर एटम के जीरो होंगे। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर सबके जीरो होंगे, इज इट ओके? एस एट का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, पी फोर का जीरो, एन ए का जीरो, एन ए प्लस वन का वन होता है, ये बात याद रखना, एन ए का जीरो होगा, एलिमेंट्री स्टेट में, फ्री स्टेट में, अनकंबाइंड स्टेट में किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो, इज इट ओके? यस सर। अनकंबाइंड में कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट रूल, पहला रूल तो हो गया ये, नेक्स्ट रूल, अगर कोई आयन है जिसमें केवल एक ही एटम है, अगर कोई आयन है, ठीक है, फॉर आयन कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसका, उसके चार्ज के बराबर होगा उस आयन के चार्ज के बराबर होगा। जैसे Na प्लस वन है तो प्लस वन, Mg प्लस टू है तो प्लस टू, Fe प्लस थ्री है तो प्लस थ्री, Cl माइनस है तो माइनस वन, O2 टू माइनस है तो माइनस टू, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फॉर आयन्स कंपोज्ड, फॉर आयन्स कंपोज्ड ऑफ, फॉर आयन्स कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, ऑफ
only one atom. For ions composed of only one atom, the oxidation number is the oxidation number is equal to the charge on the ion. Oxidation number is equal to the charge. जो भी चार्ज होगा, चार्ज ऑन आयन. अब वो आयन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उससे फर्क नहीं पड़ता. जो भी अगर एक एटम है, जो भी चार्ज है, वो उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है. फॉर एग्जांपल, एग्जांपल Na प्लस वन, एक ही एटम है Na का, तो इसका प्लस वन होगा. Mg प्लस टू, तो इसका प्लस टू होगा. Fe प्लस थ्री, तो इसका प्लस थ्री होगा. Cl माइनस वन, तो इसका माइनस वन होगा. O टू माइनस, इसका माइनस टू. इज इट ओके? ओके, यस सर, यस सर. जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं, उनके एलिमेंट्री कंपाउंड में क्या होगा? ग्रुप वन के एलिमेंट्स जो हैं, उनका प्लस वन होगा, ग्रुप टू के प्लस टू होगा, और एल्यूमिनियम के फैमिली का क्या होगा? एल्यूमिनियम का अगर देखें तो उसके फैमिली में प्लस थ्री होगा. ये नॉर्मल है ग्रुप वन का. ग्रुप वन आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ के आया, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. फॉर इन कंपाउंड्स, वो तो एक अकेला है तो वो बात हो रही थी. तो इन कंपाउंड्स, in their compounds, the alkali metal have oxidation number of plus one. Metal have oxidation number of, सिंपल रूल्स हैं, ऑफ प्लस वन. एल्केलाइन अर्थ मेटल हैव प्लस टू, एंड एल्यूमिनियम प्लस थ्री. ओके, सिंपल सिंपल सी बात है, समझने लायक ना कुछ है नहीं. अब ऑक्सीजन का मोस्ट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होता है. ठीक है, ऑक्सीजन का मोस्ट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? माइनस टू होता है. लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्टेट होते हैं. एक्चुअली वो माइनस टू से प्लस टू तक होता है. ये तो बताया ही था मैंने, माइनस टू से प्लस टू तक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं. यस और नो? Yes, sir. ठीक है, माइनस टू भी होता है, माइनस वन भी होता है. माइनस टू भी है, माइनस वन भी है, माइनस हाफ भी है, प्लस वन भी है, प्लस टू भी है. ये पांचों ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, लेकिन 90% ऑफ केस में माइनस टू होता है. ठीक है, माइनस टू 90% ऑफ केस में होता है ऑक्सीजन का. माइनस वन कहाँ पे होता है? जैसे माइनस वन अगर हम कहें परऑक्साइड्स में होता है. ठीक है, जैसे H2O2 है, H2O2 में आप अगर आप देखें तो माइनस वन होगा. ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लीजिए, दो हाइड्रोजन की वजह से प्लस टू होगा बेटा, दो ऑक्सीजन की वजह से माइनस टू होना चाहिए. तो एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन, यस और नो? बताओ भाई, दो ऑक्सीजन की वजह से माइनस टू, तो एक ऑक्सीजन का माइनस वन होगा कि नहीं होगा? यस सर. प्रदीप, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल प्रियंका, इट शुड बी वेरी क्लियर. ओके, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का माइनस टू. पर में क्या होता है? एक ऑक्सीजन ज्यादा आ जाता है. यहाँ पे अगर देखो H2O में तो माइनस टू है. ज्यादातर केस में ऑक्सीजन का माइनस टू होता है, जनरली वही देखा जाता है 90% ऑफ केस में. कुछ में ज्यादा अलग अलग है, कुछ एक्सेप्शन है, देख लेते हैं हम अलग है. तो माइनस वन H2O2, माइनस हाफ की अगर बात करें हम, तो माइनस हाफ किस में होता है, कोई बता पाएगा?
माइनस हाफ होता है बता, अगर कोई फर्स्ट ग्रुप का मेटल है और वो ऑक्साइड बना रहा है, फर्स्ट ग्रुप का मेटल है ऑक्साइड बना रहे से Na2O, Na2O देखो जरा क्या है, सोडियम ऑक्साइड है। यस सर, एक मिनट, इसमें नहीं, सुपर ऑक्साइड में मिलेगा आपको। सुपर ऑक्साइड मतलब KO2 या पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ये K2O नॉर्मल ऑक्साइड होता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड KO2 होता है। तो सुपर ऑक्साइड में देखो जरा आप, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड या सोडियम सुपर ऑक्साइड में क्या होगा, इस K के ऊपर प्लस वन होगा, इस K के ऊपर प्लस वन होता है, आपको पता है K के ऊपर प्लस वन, तो इस O2 के ऊपर क्या होना चाहिए, प्लस माइनस वन, तो O के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, यस और नो? यस सर, यहाँ पे O के ऊपर माइनस हाफ हो जाएगा सुपर ऑक्साइड में। प्लस किस केस में होगा, जब उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कोई है उसके साथ बॉन्डेड है ऑक्सीजन, प्लस का मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बात समझ में आ रही है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब तो देगा कब, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव उसके कंपैरिजन में उसके साथ कोई बॉन्डिंग कर रहा है, तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन ही है, यस और नो? उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है, यस और नो? यस सर। O2F2 एक बनेगा, जिसमें देखिए आप यहाँ पे क्या आएगा, F2 का प्लस टू, तो O2 का, अरे सॉरी, F2 का माइनस टू, एक F का माइनस वन होता है, तो दो F का माइनस टू, माइनस टू, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस टू, तो O का क्या हो जाएगा, प्लस वन, यस और नो? समझ में आ रहा है सबको? यस सर, सबको समझ में आना चाहिए, बता दीजिएगा भाई प्रियंका, आ रहा है समझ में कि और अच्छे से और अलग से बताएं? नहीं सर, आ रहा है। ठीक है, तो O2F2 प्लस टू वाले का एग्जांपल अगर हम देखें तो उसका होता है OF2, तो F2 की वजह से माइनस टू, O का क्या हो जाएगा, प्लस टू। तो देख पा रहे हैं हम लोग कि अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रहे हैं। जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन का, वो माइनस टू होता है 90% ऑफ केस में, माइनस वन भी होता है, वैसे माइनस हाफ भी होता है, प्लस वन भी है, प्लस टू भी है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कुछ नहीं बोला है तो माइनस टू लेके चलना हो जाएगा। इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ऑक्सीजन के लिए हो गया? बोलो भाई, आगे बढ़े ना। यस सर। थर्ड पॉइंट हम ऑक्सीजन के लिए लिखते रहे, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज माइनस टू, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, most common oxidation state of oxygen in compounds is minus 2, but in some compounds it also shows different oxidation number like minus one, minus half, plus one, plus two, as discussed above. Okay. फोर्थ पॉइंट,
फोर्थ पॉइंट में क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का प्लस वन होता है, यस यस। एक्सेप्ट ये मेटल के साथ जब तक बॉन्डेड नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को देख रहे हैं बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्लस वन, इज प्लस वन एक्सेप्ट एक्सेप्ट व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल्स इन बाइनरी कंपाउंड्स, एक्सेप्ट व्हेन इट इज बॉन्डेड विथ मेटल्स, बॉन्डेड विथ metals, when it is bonded with metals in binary compounds, in binary compounds, binary का मतलब दो, metal में ऐसा compound जो binary हो, मतलब two, binary का मतलब पता है ना सबको, two elements, yes or no? ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स, ठीक। इज माइनस वन, वहां पे उसका माइनस वन होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ दिस इज NaH, LiH एक्सेट्रा। Na के ऊपर प्लस वन होगा तो H के ऊपर माइनस वन हो जाएगा, यस और नो? इसके ऊपर प्लस तो इसके ऊपर माइनस, यहीं पे केवल ये माइनस वन है क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा मेटेलिक सोडियम और लिथियम ये सब है, ठीक है। हाइड्रोजन इनके सामने पे नॉन मेटल है इसलिए वो गेन करता है, सोडियम और लिथियम तो लूज ही करेंगे। बाकी हर जगह पे अगर हम ज्यादातर जगहों पे देखेंगे तो हाइड्रोजन को प्लस वन डायरेक्टली ले लेते हैं। इज इट ओके? यस सर। फ्लोरीन का क्या होगा? ऐसे ही फ्लोरीन का भी हम जानते हैं कि माइनस वन होगा, यस और नो? इन इट्स कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन हैव, ये बहुत सिंपल से रूल है बेटा, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आप लोगों को सबको पता है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात कर रहे हैं। फ्लोरीन हैज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ माइनस वन इन ऑल इट्स कंपाउंड, फ्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन नंबर, फ्लोरीन हैज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, फ्लोरीन हैज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ माइनस वन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स। सभी कंपाउंड्स में इसके क्या होगा, फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये आपको पता ही है, तो ये जाहिर सी बात है किसी के साथ प्लस वाला शो नहीं करेगा, किसी के साथ प्लस वाला शो नहीं करेगा, ये तो माइनस ही होगा, तो माइनस वन होता है इन ऑल इट्स कंपाउंड। सभी इसके कंपाउंड्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होता है। बाकी जो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, उनका भी यही होता है माइनस आयोडीन, इनका भी माइनस वन ही होता है, ठीक है, ओके। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होंगे तो वो पॉजिटिव शो करेंगे, ओके ओके, यस और नो? यस सर। अरे बाकी लोग को नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? प्रदीप, संस्कार, आ रहा है सर, आ रहा है सर ना? क्या बात है, नहीं बता रहे क्यों? अगर फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस वन ही, हमेशा गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। लेकिन अगर हम इनकी इन्हीं ग्रुप की बात करें, हम एलिमेंट्स लाइक ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन हैज आल्सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ माइनस वन, बट व्हेन दे आर
when they are bonded with, when they are bonded with oxygen, they will show positive oxidation state. Yes or no? They will say show. क्योंकि ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दे विल शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर. यस और नो बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा पॉजिटिव? अबे नाम लेके हमेशा बोलना पड़ेगा आप लोगों से कि कौन इसको इसको आया नहीं आया. प्रियंका आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है. हाँ सर आया. चलो ठीक है, नेक्स्ट. सब जो रूल बताया मैंने उसी के हिसाब से है बेटा. लास्ट पॉइंट है जो एलजेब्रिक सम अगर निकालेंगे हम लोग, सभी एटम्स का इन ए कंपाउंड मस्ट बी इक्वल टू जीरो. इन एनी कंपाउंड द एलजेब्रिक सम, मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसका साइन के साथ. एलजेब्रिक तो उसी को कहते हैं ना हम लोग. तो द एलजेब्रिक सम, द algebraic sum of, the algebraic sum of oxidation number, of the oxidation number, of the oxidation number of all elements, of all elements in a compound, of all elements, ये तो बता ही दिया हमने, in a compound, of all elements in a compound must be equals to zero, must be equals to zero, must be, इसी रूल से तो निकाल रहे थे हम लोग, equals to zero, वो जीरो के बराबर होगा. ओके अभी तो हम निकालते हैं एक. ओके यस सर. लेकिन अगर आयन है वो न्यूट्रल कंपाउंड, ये बात ध्यान रखना, ये कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल है. अगर वो आयनिक है जैसे SO4 2 minus, SO4 2 minus, तो बेटा ऐसा नहीं है कि इस पूरे कंपाउंड का आप जीरो ले लोगे. एक्चुअली ये माइनस टू दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है? ये बराबर इसका टोटल चार्ज माइनस टू है. तो अगर आप सेपरेटली लेंगे ये माइनस टू, अगर आप सेपरेटली लेंगे इसका और इसका, तो उसको इक्वल्स टू माइनस टू करोगे, जीरो नहीं करोगे. इज इट ओके? लेकिन अगर यही कैल्शियम सल्फेट रहता ही है, तो ये कंपाउंड है, ये आयन नहीं है, ये इसका जीरो होता. इज इट ओके? सारे आयन, सारे एलिमेंट्स का जो सम करोगे, एलजेब्रिक सम करोगे, एलजेब्रिक का मतलब प्लस का प्लस, माइनस का माइनस. ठीक है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम आपको पता है जैसे कि प्लस टू होता है. यस और नो? आपको जैसे पता है यहाँ पे कैल्शियम का प्लस टू होता है. Just a minute. यहाँ पे प्लस टू होता है, ये यहाँ का सल्फर का माइनस टू होता है, ऑक्सीजन का दो, एक ऑक्सीजन का माइनस टू होता है, तो चार के लिए माइनस इन टू कर दो के बराबर जीरो. इस तरीके से. यस और नो? इज इट ओके? यस सर. बोलो भाई प्रदीप, हो जाएगा? यस सर. तो दीज आर द जनरल रूल्स, these are the general rules for the oxidation number. ये general rule हो गया, most ये आपको 12th में भी काम आएगा, यहाँ पे भी काम आ रहा है. general rule of the oxidation number हो गया, how to find the oxidation number, it's generally general rule. okay, जो भी आपको किसी molecule या compound में किसी का भी निकालना है, इनके help से आप निकाल लोगे, इनकी हेल्प से आप निकाल लोगे. आपको इतना पता चल गया कि जो मेटल्स हैं उनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, नॉन मेटेलिक हैं जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर है. ठीक है, ट्रांजिशन है जो वो अलग अलग, हमको आपको पता है ट्रांजिशन का मतलब डी ब्लॉक जो है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं. ठीक है, वो हम लोग देखेंगे. ठीक. यस सर. ठीक है. ओके ठीक है, तो हम आगे अब कल करते हैं इसके. और मोस्ट लगता है कि अब हम लोगों को कल से मेन चैप्टर की स्ट्रीम में, वैसे आ चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी ये तो थोड़ा सा बेसिक चीजें थी. टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो हमने 10th में पढ़ा है उसको भी करना है हमको,
मतलब रीड एक्चुअली